जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लोग जो हैं वो हमसे जलते क्यों हैं। हम तो सबका अच्छा चाहते हैं, हमने कभी किसी का जाने अनजाने में भी कभी कोई गलत नहीं किया है, और हमने तो आगे रहकर बिना मदद मांगी भी लोगों की मदद किया। हमने धन के रूप में हमारा श्रम दान किया, हमने आर्थिक रूप से किया, पारिवारिक सपोर्ट किया और कई सारे सहयोग हमने किए, लेकिन उसके बाद भी वही लोग या जिन लोगों का हमने अच्छा भी किया, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा बुरा चाहते हैं। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है और ये क्या कारण है इसके पीछे? तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि ऐसी सिचुएशनों से आप बाहर कैसे आ सकते हैं, और इस तरह की जो परेशानी है उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सकारात्मक हैं, और आप ईश्वर के प्रति, हम ईश्वरी सत्ता मानकर सभी की हेल्प करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सकारात्मक और मोटिवेशनल एस्ट्रो से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई सा भी नाम जो लिखें जो आपको अच्छा लगे। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। खैर, हम बात को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, उसको सब पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देती है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप जैसे हैं आपको पूरी दुनिया वैसी दिखाई देगी। आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं, हम किसी का बुरा चाहकर भी बुरा नहीं चाहते, तो हमें पूरी दुनिया जो है अच्छी दिखाई देती है। लेकिन ये सही नहीं है। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। अगर बुरे लोग नहीं होते हैं तो जो इतनी सारी घटनाएं होती हैं वो शायद नहीं होती। तो इसका सीधा अर्थ है कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। अब हमारी जो चश्मा है या हम जिस नज़रिए से देखते हैं, सभी को अच्छे नज़रिए से देखते हैं, किसी में खामी निकालना हमें नहीं आता, क्योंकि हम तो ईश्वर में यकीन रखते हैं और लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। और बस यही एक पॉजिटिव चीज़ जो है, जो बुरे लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उन्हें खलती है, क्योंकि अच्छाई को बुराई को हमेशा अच्छाई खलती है। और आपसे लोग मिलते हैं, जुलते हैं, आपके काम भी हो जाते हैं, आपकी कनेक्टिविटी भी हो जाती है, अच्छे लोगों से मिलना जुलना, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ चीज़ें होती है। और कई बार जब आगे कोई व्यक्ति बढ़ता है तो जलने वाले कई सारे लोग अकस्मात हो जाते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है। सब योग्यता हम में है, तमाम चीज़ें हम में, पर हमें हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। अब वो अलग बात है कि वो उनका देखने का नज़रिया नेगेटिव वे से भरा है, आप पॉजिटिव हैं। पर जब भी इस तरह का सिचुएशन हमारे लाइफ में आपके साथ आए कि आपके साथ लोग जुड़ने वाले ज़्यादा हैं, तो सिर्फ नेकी करें, दरिया में डालें, मतलब किसी भी चीज़ को हम मदद करें और दूर हट जाएं, उसमें हमें किसी प्रकार से कोई लेना देना ना रखें, इस हाथ दे इस हाथ को पता भी नहीं लगे, ये एक चीज़ शुरू कर दें। दूसरी बात है कि आप लोगों का सिलेक्शन कर लें कि कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है, उनके बारे में थोड़ा सा आप अध्ययन करें, थोड़ा सा बारीकी से समझें, क्योंकि कई बार लोग आपकी अच्छाइयों का भी फायदा उठाते रहते हैं। इसके अलावा आप मदद करना बंद ना करें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। चाहे लोग जले, कुछ भी करें, को भी कोई आपका अहित नहीं कर सकता। आपके लिए ईश्वर हमेशा तत्पर है और ईश्वर की आप पर कृपा है और आगे भी रहेगी, और वो आपको बहुत दूर ले जाएगा। यही सरलता है।